मुझे क्या पता करो क्या है और आगे वहाँ गाड़ी का नंबर मुझे दे दो वहाँ से लेके यहाँ तक मुझे बताओ मैं वहाँ बात करता हूँ इसीलिए तुम इमरजेंसी हालात है यहाँ तो पता नहीं अच्छी जगह पूरी यहाँ कार बच जाएगी फंक्शन है वो डीसी ऑफिस में सेटअप है ऑलरेडी और उसमें जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है लगातार जैसे पॉजिटिव केस आ गया उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए लोग काम कर रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि कोई भी पॉजिटिव जो शख्स आ गया उसके जितने कॉन्टैक्ट से उनको आइसोलेट किया जाए आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके साथ साथ हम एक कोविड कमांड सेंटर भी सेटअप कर रहे हैं जो शॉर्टली फंक्शनल हो जाएगा मैं अभी विजिट करके आया हूँ कई सारे हॉस्पिटल्स में इस वक्त ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की बात नहीं है उस स्टेज पर नहीं है और हम ऑक्सीजन कैपेसिटी जो है वो बढ़ा रहे हैं हमारा एसएमएचएस में उसके बाद सीडी हॉस्पिटल कश्मीर नर्सिंग होम और इन ये जो तीन हॉस्पिटल हैं इनमें शॉर्टली हमारी जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी और पूरे श्रीनगर में हम 3500 लीटर्स पर मिनट की जनरेशन जो है वो मजीद ऐड कर रहे हैं जिसमें अगर आप पूछें तो हमारा जो सिटी हॉस्पिटल है सिटी हॉस्पिटल में तकरीबन 10 से 15 दिन के बीच में ऐड हो जाएगा कश्मीर नर्सिंग होम में सिर्फ 4 दिन के अंदर 1500 एलपीएम का प्लांट जो है वो फंक्शनल हो जाएगा एसएमएचएस में जो है 2 दिन के अंदर 1000 एलपीएम की मजीद कैपेसिटी ऐड हो जाएगी और ये जो मैं बता रहा हूँ ये इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है